हरे कृष्णा प्यारे दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया सफ़र जर्नी एडिटर के प्यारे से जर्नी का। तो आज हम जिस जगह पर विजिट करेंगे उस जगह का नाम साई मंदिर के नाम से प्रचलित है, जो मंदिर दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदिर की बनावट इस प्रकार है, जो इस मंदिर को कुछ बेहद सुंदर बनाती है। और मंदिर के बाहर आपको काफ़ी दुकानें मिल जाती है, जहाँ से आप फूल प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं। साईं बाबा को भगवान का धरती पर अवतार माना जाता है। भक्तों का मानना है कि साईं बाबा किसी एक के नहीं बल्कि सभी के हैं। खुद साईं बाबा सबका मालिक एक की शिक्षा दिया करते थे। वर्तमान समय में साईं बाबा के भक्तों की संख्या लाखों करोड़ों में, और दूर दूर से लोग साईं बाबा के दर्शन के लिए इन मंदिरों का रुख करते हैं। साईं बाबा की नज़दीक से दर्शन के लिए और प्रसाद चढ़ाने के लिए हम सभी को इस लाइन से होते हुए जाना होता है, क्योंकि भक्तों की संख्या इस मंदिर में बहुत ज़्यादा होती है, खास करके गुरुवार को। मान्यता तो ऐसा भी है कि यदि इस मंदिर में कोई भी सच्चे दिल से कुछ मांगता है तो साईं बाबा उसकी इच्छा अवश्य पूरी करते हैं। तो साईं बाबा के दर्शन होने के बाद अथवा प्रसाद चढ़ाने के बाद हम लोगों को पीछे की ओर से जाना होता है, जहाँ पे भी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे साईं बाबा की पालकी होती है, हवन कुंड होता है, बहुत सारी मूर्तियाँ होती हैं, जिन्हें हम देखते देखते आगे बढ़ते हुए तो यहाँ से बाबा की कुछ बर्तन पालकी की आशीर्वाद लेते हुए हम लोग अब मंदिर के दूसरी तरफ, जहाँ पे और भी बहुत सुंदर सुंदर भगवान की मूर्तियाँ हैं, वहाँ की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बस साईं बाबा ही नहीं, बहुत सारे देवी देवताओं के सुंदर मंदिर बना रखे हैं। यही बात साईं बाबा की करें तो कुछ कथाओं के अनुसार साईं बाबा का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिन्होंने उन्हें 5 साल की उम्र में एक फकीर को सौंप दिया था। मानते हैं कि साईं बाबा 16 वर्ष की उम्र में सिद्धि आए थे। यहाँ पे दर्शन करने के बाद अब हम सब ऊपर की ओर चलते हैं। तो ऊपर में भी कुछ देवी देवताओं के मूर्ति बनाए गए हैं, उनके आशीर्वाद लेने के बाद हम अब नीचे की तरफ रुख करते हैं। और हाँ, नीचे आने के बाद याद रखें कि हमें भंडारा एवं भगवान का प्रसाद खाना ज़रूरी होता है, तो हम सब वहाँ चलते हैं। चलिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये जगह है यहाँ पे भंडार वितरण होता है, तो आप सभी जब कभी यहाँ पे आए तो यहाँ ज़रूर आए। बहुत ही सुंदर आशीर्वाद के रूप में प्रसाद मिलता है, जो यहाँ के सभी भक्तजन खा के ही जाना चाहते हैं। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी साईं बाबा की कुछ बहुत सुंदर प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जो कि मन को बहुत आनंद देता है। वो देखते हुए हम लोग अब भंडार खाने को चलते हैं। भंडारा लेने के बाद हम सब अब बाहर की ओर चलते हैं, जहाँ पे हम अपनी चप्पल लेते हुए बाहर की ओर अब रुक करते हैं। जाते जाते साईं बाबा के इस मंदिर को, जो कि खुद में ही बहुत खास है, उसे एक बार देखते हुए हम सब अपने घर चलते हैं।
मुझे पता है आप सभी को ये बहुत पसंद आया होगा, बेहद पसंद आया होगा। तो अब आप यहाँ से अपनी मन के हिसाब से बस लेकर के आपको जहाँ जाना है आप वहाँ जा सकते हैं। हमारी बस आ चुकी है तो हम लोग चलते हैं बाकी की बात अंदर में। मुझे पता है कि ये जगह आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, यदि ये जगह पसंद आई हो तो कमेंट में बताएं कैसा लगा वीडियो और नेक्स्ट आपको किस वीडियो पे चाहिए, किस जगह पे आपको जाना है। और यदि आप सबको कभी दिल्ली आना हुआ तो प्लीज़ एक बार इस जगह पे जरूर आएं, ये जगह आपको बहुत आनंद देगी, इतना मेरा विश्वास है। और लास्ट में आप सबको दिल से थैंक यू हमारे इस जर्नी में जुड़ने के लिए।